टाइम ते एक राजा अपने सारे सैनिकां नूं लैके उन्हें आसा राजा नूं आके घेर लिया, उहदे नाल युद्ध करन वास्ती। आसा राजा ने की किया? आसा राजा ने परमेश्वर दे सामने गोडे टेके, परमेश्वर दे सामने आके प्रार्थना की। परमेश्वर नूं कहा कि सेना बहुत ज़्यादा वा, मैं लड़ नहीं सकता, बस मेरी मदद करो परमेश्वर। परमेश्वर को एक प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं लड़ नहीं सकता, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। परमेश्वर ने आसा राजा दी प्रार्थना नु सुनिया और उन्हें जवाब दिता। जेड़े दुश्मन आए ही आसा दे नाल लड़न वास्ती, और सारे दे सारे हार के पिछे मुड़ के भज गए। ओ भैन और भ्राओ, इस करके वह भज गए क्योंकि आसा राजा का जिहड़ा परमेश्वर ही वह महान परमेश्वर हैगा। ओ भैन और भ्राओ, और आसा राजा को सारे लोग वेख के डरन डै पे, यार होर कहना भी पंगा लै लो, पर आसा राजा दे नाल ना पंगा लो क्योंकि ये नाल परमेश्वर रहिंदा वा। इहदा सच्चा परमेश्वर इहदे नाल आ, इहदे नाल हो के युद्ध करता वागा। इस करके हर किस ना पंगा लो, पर आसा राजा दे नाल पंगा ना लो क्योंकि इहदा परमेश्वर महान परमेश्वर आ, इहदे नाल रहिंदा वा। ओ भैणो भ्राओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन डिया वा। जे तुसीं वी चाहुंदे जे तुहाडे दुश्मन वी तुहाडे तों दूर दौड़न, तुहानूं वेख के डरन, तो की करना पऊगा? आई वेखने आ कि साडे जीवन दे विच जो दुख और तकलीफ आउंदी हैगी या कोई साडा दुश्मन बन जाता वा, तो अं बदला लैन की कोशिश करने हैगे या तो उन्हूं हराउण की कोशिश करने हैगे। ओ भैन और भ्राओ, अज वचन सानू कहिंदा वा कि आसा राजा दे जीवन दे विच वी इतरा ही होया हैगा। जो वो जीवन दे विच आए शत्रु आए लड़न वास्ती आए, वह खुद अपनी तलवार लैके नहीं गया, उन्हें सब तो पहलो परमेश्वर दे सामने अपनी फरियाद रखी। परमेश्वर ने सब कुछ उन्हें दसिया कि परमेश्वर मैं नहीं गा लड़ सकता, मेरे नाल तु ही हो के लड़ो। जो ये परमेश्वर नू अपना सारा अधिकार परमेश्वर दे हाथ विच सौंप दिने आ कि परमेश्वर तु ही सानू अगे हो के चलाओ, तो परमेश्वर साढ़े जीवन दे विच आशीष दिंदा वा। जो परमेश्वर साढ़े नाल जुड़ जाता वा, उदो दुश्मन भी डर जाता वा, उदो दुश्मन भी पिछे हो जाता वा, और बाद विच वो डर के कदी तुहाडे कोल नहीं आऊगा। ओ भैणो भ्राओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन डिया वा। अही जो लड़ाई झगड़े करने हैं तो की करने हैं गे? पुलिस वालियां को चल जाने हैं, वकीलों को चल जाने हैं, यार दोस्तों इकट्ठा कर लेने ताकि आके अही लड़िए। ओ भैणो भ्राओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन डिया वा। जे अही सच्चे मन दे नाल परमेश्वर की खोज करांगे, परमेश्वर सानू मिलेगा और साडे जीवन दे विच आशीष दूगा और शांति बना के रखूगा। जो कोई दुश्मन साढ़े कोल आऊगा तो सानू सब तो पहलो लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सानू सब तो पहलो प्रार्थना करनी हैगी। प्रार्थना विच विश्वास दे नाल प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मैं ना लड़ा, तू ही मेरे नाल हो के लड़ो। जो परमेश्वर साडे नाल हो के लड़ूगा, उदो दुश्मन दौड़ जाऊगा और दुश्मन दोबारा ताडे कोल भी नहीं आऊगा क्योंकि उन्हें डर जाना वा कि इन्हों का जिहड़ा परमेश्वर आ सच्चा परमेश्वर आ, इन्हों का परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर आ, इन्हों का परमेश्वर जवाब देने वाला परमेश्वर आ, इन्हों का परमेश्वर इन्हों के नाल हर टाइम रहिंदा वा। अही इन्हों के नाल नहीं लड़ सकते। दुश्मन इतना सोचूगा जे तुसीं विश्वास करोगे, प्रार्थना करोगे, तुहाडे जीवन दे विच आशीष और शांति परमेश्वर बना के रखूगा। ओ भैणो भ्राओ, आसा राजा दा जिहड़ा जीवन हैगा विश्वास दे नाल हैगा। बहुत ज़्यादा उन्हें विश्वास किया और अपने विश्वास नूं बहुत उच्चे तक लैके चल गया। अज साडा विश्वास किस तरह दा वा? साडा जब विश्वास जो अं करने नवा नवा जो परमेश्वर दे विच आउने आ, एक महीना, दो महीना, तीन महीना या एक साल, दो साल, पाँच साल, दस साल तक अं विश्वास विच रहने आ, पर उहदे बाद अं विश्वास विचों थले आ जाने आ। अज तो ही विश्वास विच अगे वधन डे जे या विश्वास दे विच कमज़ोर होण डे जे? अज तो ही मुसीबत विच परमेश्वर नूं लभदे जे या तो ही अपने खुद काम कर लैंदे जे कि मैं जाके लड़ूंगा, मैं खुद करूँगा, मैनू मेरे उत्ते भरोसा आवेगा?
ओ भैन और भ्रो, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल हाड़े नाल गल करन दिया वा। वचन विच लिखिया वा कि परमेश्वर दिया अखां धर्मी नूं लभदियां वा। जिहड़ा धर्मी सच्चे मन दे नाल परमेश्वर नूं लभदा वा ते परमेश्वर भी उह धर्मी नूं लभदा वा किहड़ा ओनू लभदा वगा। जो परमेश्वर नूं धर्मी लभ जांदा वा उदों परमेश्वर धर्मी दे नाल मिल के महान काम करदा वगा और उहदे नाल रहिंदा वगा और उहदे नाल हर एक चीज़ दे विच उहनूं जित दिलाउंदा वगा। और उस वचन विच लिखिया वा जे तू ही मूर्खता दा काम करेंगा, जे तू विश्वास विच ना करेंगा, विश्वास विच बनिया ना रहेंगा ते फिर तू इसे लड़ाई विच फसिया रहेगा, तेरे जीवन दे विच आशीष भी नहीं रहेगी। ओ भैन और भ्राओ, साडा परमेश्वर आशीष देण वाला परमेश्वर है, साडा परमेश्वर मुसीबतां तो बाहर कढ़न वाला परमेश्वर है, साडा परमेश्वर शांति देण वाला परमेश्वर है, साडा परमेश्वर खुशी देण वाला परमेश्वर है। कितना मिलेगी ये सारिया चीज़ां, बस विश्वास करना वा, परमेश्वर नूं सच्चे मन दे नाल लभना वा, सच्चे मन दे नाल उहदी खोज करनी आ। जो अं सच्चे मन के नाल उहदी खोज करांगे परमेश्वर सानू मिलेगा और साडे जीवन दे विच आशीष नू लैके आऊगा। परमेश्वर तुहानू बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।